दोस्तों हॉलीवुड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत बड़ी राहत वाली बात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज के डेट में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, बहुत बड़ी ब्रेकिंग वाली बात बताई है जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी राहत वाली बात, साथ ही साथ वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दीवाना बना देगा। सरकारी घोषणा, ऐसी सरकारी घोषणा, और साथ ही साथ जो है बैड बैंक पर बहुत बड़ी अपडेट निर्मला सीतारमण जी ने जारी करी है जो आज के डेट में कही है। बहुत बड़ी बात हम आपको इस वीडियो में, वीडियो मिस मत कीजिए। मिस करेंगे तो फिर जो है RBI की जो खुशखबरी वाली पैकेज है वो बहुत गजब का है, और मिस करने पर आप ये वाली पैकेज मिस कर जाएंगे। चलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लीगल डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दिया हुआ है, वीडियो उसको पढ़िए, फिर वीडियो का को देखिए, मस्त आनंद लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। चलिए इस वीडियो में इन्हीं सब पॉइंट पर बात होगी, साथ ही साथ जो है मॉरेटोरियम 3.0 से रिलेटेड बात होगी। इतनी सारी बात होने वाली है आज के डेट में इस वीडियो में जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अदरवाइज मिस करेंगे तो फिर बाद में मत बोलना जो सर मैंने देखा ही नहीं। जो भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं अर्लीवुड पर, अर्लीवुड पर को यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके यहां से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कुछ पूछना कमेंट। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट फिर बता रहे हैं आपको स्टार्ट करने से पहले, जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिर अब पछतावत का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत फसल पूरा बर्बाद। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और टेंशन फ्री रहिए, और उम्मीद करते हैं जो आपका घर परिवार फैमिली बहुत ही आनंद होगा, खुश रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये बात हम करेंगे, देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज के डेट में एक मीटिंग में थी, बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, ठीक है। इस मीटिंग में जो निर्मला सीतारमण जी ने क्या कुछ कहा है इस पर बात करेंगे, और सबसे पहले ये जान लीजिए कॉन्फ्रेंस किसके किसके बीच में हुआ था, ध्यान से सुनना। कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडियन एक्सप्रेस और यहाँ पर फाइनेंशियल टाइम्स, इन दोनों ने दोनों के कोलेबरेशन से जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण जी ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें अवेलेबल थी। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। एक भी शब्द, एक भी लाइन यदि आपने मेरे बताने से मिस कर दिया तो फिर आप पछताएंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के ही कार्यक्रम में, इंडियन एक्सप्रेस के ही प्रोग्राम में अवेलेबल थी निर्मला सीतारमण जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। देख लीजिए यहां पर, देखिए यहां पर क्या कुछ कहा है, देखो समझ के बात को, ये देखिए यहाँ पर यही बात कही जा रही है जो अभी हम बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचना जो मेरा डाटा खत्म हो जाएगा फिर पछताते रहेंगे डाटा के चक्कर में। यहाँ देखिए इंडियन एक्सप्रेस एंड फाइनेंशियल टाइम्स, इसके बीच में कोलेब्रेशन जो थी, कोलेब्रेशन है, कोलेब्रेशन में जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, इसमें बात की क्या कुछ कहा कही है निर्मला सीतारमण जी ने, इस पॉइंट पर बात करें जो इंपॉर्टेंट है। एक लाइन ध्यान से सुनना जो अभी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या कुछ कही है निर्मला सीतारमण जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बीच में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो डिस्कस, यानी जो भारत जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी साहब, इन्होंने क्या कुछ किया यहाँ पर देखिए, द सिचुएशन देखो, सो वी डोंट थिंक देर इज नीड फॉर अक्रॉस द बोर्ड लॉकडाउन। यानी मोदी जी ने कहा था जो कोई इस, यानी लॉकडाउन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मीन्स एक लाइन में समझो, वो जो अभी लॉकडाउन पूरे देश भर में अक्रॉस द बॉर्डर, यहाँ क्या लिखा हुआ, अक्रॉस द बोर्ड लॉकडाउन, कहने का मतलब ये है जो पूरे देश भर में लॉकडाउन की घोषणा जैसे पिछले बार 2020 में किया गया था उस टाइप से इस बार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो सिचुएशन गाड़ी जो है, जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत में पड़ जाएगी, समझ के बात को, वो फिर क्या होगा, फिर वो डाउन होना, इसीलिए इस बार घोषणा नहीं की। कहने का मतलब ये बात तो समझ गए ना। अब जो है अभी के जो सिचुएशन को देखते हुए अभी जो है लॉकडाउन की घोषणा और फर्दर नेशन वाइड नहीं की जा सकती, यहां पर ये बात क्लियर होगी। अब इनका मॉरेटोरियम से बहुत गहरा रिलेशनशिप है जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जबरदस्त भिड़ंत भी होने वाली है इस वीडियो में। हम उस भिड़ंत की बात करेंगे, कौन कौन सी एजेंसी के बीच में भिड़ंत होने, भिड़ंत मीन्स समझ लो उठापटक वाली मारधार एक्शन मूवी देखते हो ना, वो वाली बात। चलो ये तो हो गई मनोरंजन वाली बात, आगे टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ सीरियस बात होगी तो आप बोर भी हो गए तो आपको बोरिंग भी हम होने नहीं देंगे। चलिए आगे बात करते, जरा मेन पॉइंट दूसरा निकालते हैं, क्या है मेन पॉइंट, देखिए दूसरी बात निर्मला सीतारमण जी ने क्या कुछ कही है। जो देखिए जी, जितने भी डिपार्टमेंट का या भारत सरकार के सेक्रेटरी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके साथ मीटिंग है, उन्होंने उसमें क्या कुछ हुआ, वी डोंट सस्पेक्ट दैट विल बी अफेक्टेड, यानी जो है कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी इकोनॉमी में, यानी ग्रोथ में, फाइनेंशियल, हाँ ये है जो लिक्विडिटी कम हो गई है, अब उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या कुछ कही है, अब ARC और बैड बैंक को लेकर भी कुछ कहा गया है जो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
देखिए एक बात और कही है निर्मला सीतारमण जी ने, एमएसएमई के लिए यहाँ पर सम सपोर्ट, कुछ और सपोर्ट की जरूरत है, जो निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर क्लियर किया है, साफ साफ कहा है जो एज गवर्नमेंट वी हैव टेकन कॉल दैट द एमएसएमई नीड सम सपोर्ट, मतलब एमएसएमई को कुछ और ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अब किस फॉर्म में सपोर्ट की जरूरत होगी, देखो कुछ दिन पहले फिच ने क्या कहा था, फिच जो रेटिंग एजेंसी है, जो मॉरिटोरियम या गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी गारंटेड सिक्योरिटी स्कीम की जरूरत है, या तो आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री गारंटेड सिक्योरिटी स्कीम को लॉन्च कर सकती है, या मॉरिटोरियम के जैसा ब्लैंकेट मॉरिटोरियम जो जैसा पिछले बार मिला था वैसा ग्रांट कर सकते हैं। ये बात समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहा जा रहा है यहाँ पर। वी हैव टेकन सम कॉल एंड एमएसएमई नीड सम सपोर्ट। अब ये सपोर्ट की बात हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे हम किसको, यहाँ पर फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसकी बात को लेकर हम आएंगे यहाँ पर। फिच जो है पिछले दिनों कहा, कुछ दिन पहले कहा था, यहाँ पर देखिएगा आरबीआई में इंट्रोड्यूस एडिशनल मेजर्स। अब एडिशनल मेजर क्या हो सकता है, एडिशनल मेजर यही हो सकता है दोस्तों, एक तो ब्लैंकेट मोरेटोरियम हो गया और दूसरा क्या हो गया, देखिए सच एज क्रेडिट गारंटी स्कीम, एडिशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम, समझ के बात को। तो एडिशनल मेजर में दो हो सकता है, या तो एडिशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम या ब्लैंकेट मोरेटोरियम। अब देखो एमएसएमई भी मांग रहे हैं ब्लैंकेट मोरेटोरियम, समझ के बात को, और इंडिविजुअल भी मांग रहे हैं ब्लैंकेट मोरेटोरियम। कहने का मतलब यह है जो कहीं ना कहीं भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई, अभी देखो जो आने वाले आगे हम बात करेंगे जो आखिर कौन सी डेट में क्या कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, ये बात हो गई आपको मैंने एमएसएमई का बता दिया यहाँ पर। कहने का मतलब ये है जो इसी में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी दैट इज बैड बैंक का भी इसमें कुछ कहा गया है, जरा हम आपको वो चीज़ भी अभी हम आपको बताएंगे, फिर हम बताएंगे डेट। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है इस वाले पैराग्राफ में, देखो ऑन सेइंग द कोर्स ऑन रिफॉर्म, समझ के बात को। तो यहाँ पर देखिएगा लुकिंग एट, देखो डीएफआई यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये देखो लुकिंग एट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एवरीथिंग इज ऑन कोर्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। यही वो चीज़ है जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है जहाँ भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की कहीं भी कॉन्फ्रेंसिंग होती है, मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो अभी के टाइम पे गर्मा गर्म मुद्दा है बैड बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोले तो एनपीए, और एनपीए बोले तो लोन, और लोन बोले तो मॉरिटोरियम, और मॉरिटोरियम या रीस्ट्रक्चरिंग या रिकास्टिंग। कहने का मतलब ये है दोस्तों जो अब जो है बैड बैंक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, और आने वाले महीने में आपको बैड बैंक दिख सकता है। और हाँ, बैड बैंक को लेके आरबीआई बहुत बड़ी बात करेगी, और वो बात कब करेगी दोस्तों, ध्यान से सुनना अब जो मैं बात बता रहा हूं। आरबीआई ये बैड बैंक को लेके बहुत बड़ी बात निकाल सकती है 2-3-4 जून को, समझ के बात को। ये चार जून का जो दिन होगा 4-6-2021, इस दिन आरबीआई बैड बैंक को लेके भी अपनी पूरी की पूरा का पूरा जो है रोड मैप तैयार कर देगा, पॉलिसी वगैरह जारी कर देगी। साथ ही साथ जो है ये देखिए यहां पर आरबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां भी जरा हम आपको दिखा देते हैं। जो ये देखिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है, ये 2 जून से लेकर 4 जून तक चलेगी, 4 को फाइनल होगा, और यानी 4 जून को आरबीआई कोई बहुत बड़ा फुलझड़ी छोड़ सकती है, जिससे कि हम जो लोगों को राहत मिलेगा। फुलझड़ी का मतलब क्या यार, खुशखबरी वाली बात, समझ के बात को। तो इतनी सारी बातें हैं जो अभी हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ जो है यहाँ पर हो सकता है जो फिच रेटिंग की जो रिपोर्ट है उसको कंसीडर किया जाए, और आने वाले टाइम पर जो है ये वाली जो ब्लैंकेट मॉरेटोरियम, वो तो सरकार के ऊपर आरबीआई के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अभी की जो डिमांड है बहुत से लोग, सभी बैंक वाले भी बोल रहे हैं, FIDC भी देखा आपने, वो भी बोल रहे हैं जो हमें कम से कम जो है मैक्सिमम 3 इयर्स का मॉरेटोरियम लोगों को देने के लिए दिया जाए, उस पर आरबीआई को बहुत कुछ साफ करने के लिए भी बोला गया है, समझ के बात को। तो कहने का मतलब यही है जो आप सभी लोगों को आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि सभी लोगों की डिमांड को तो आरबीआई को पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि बैंक जो मांगता है, जो NBFC मांगता है, तो उसको तो करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक NBFC के पास लिक्विडिटी कहाँ से आएगा, उनको भी तो अपने अपने पैसे रिकवर करने हैं, समझ के बात को, ये सारी चीज़ें। हाँ, अब देखिए बैड बैंक में एक बात और निकल कर आ जाएगी दोस्तों, जो बैड बैंक, देखिए बैड बैंक आपको मैंने कल के डेट में बताया था नाइट वाले वीडियो में, जो बैड बैंक क्या करेगी, जब कोई भी लोन को खरीदती है तो वहाँ पर उसको बैड बैंक भी रीस्ट्रक्चरिंग आपको दे सकती है, ठीक है। अब बैड बैंक में पैसा कौन कौन डालेगा, जितने ध्यान से देखना, इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कौन करेगा, सरकार
इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार करोड़ रुपए इसमें डाल सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, लगा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट आई थी पिछले बार। साथ ही साथ इसमें जो बैंक है, NBFCs हैं, इस इनका भी इसमें शेयर होगा, हमने कल के डेट में बताया था। अब अच्छा, इसमें एक बात और आएगी जो यहाँ पर हो सकता है आपको 2-3 ARC देखने को मिल जाए, कई सारे ARC हो गया, ARCs मतलब एक से ज़्यादा ARC आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है, समझ के बात को। तो यदि मान लो एक ARC लोन को रिकवर नहीं कर पा रही तो वो लोन को फिर अगेन जो है किसी दूसरे ARC को सोल्ड किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सारा चीज़ तब क्लियर होगा ज़्यादा से ज़्यादा जब RBI, अभी देखिए RBI क्या करेगी, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग है ये यहाँ पर 2 से लेकर 4 जून को होने वाली है, 4 जून को ये सारा चीज़ क्लियर होगा। तो ऐसा यदि होता है तो बैड बैंक को भी मॉरेटोरियम देने का पावर होगा और बैड बैंक को भी RBI की जो रीस्ट्रक्चर जो पॉलिसी है 5/5/2021 वाली, इसके तहत आपको 2 ईयर्स का मॉरेटोरियम मिलता है और 2 ईयर्स का रीस्ट्रक्चरिंग मिलती है। तो ये सारी चीज़ को कंसिडर बैड बैंक को भी करना पड़ेगा, जो अपने आप एक राहत वाली बात होगी, समझ के बात को। साथ ही साथ जो इकोनॉमी में अभी जैसा निर्मला सीतारमण जी ने आज कही है, जो कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ थोड़ा सा कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो रिकवर हो जाएगा, कोई निगेटिव बात नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अब ये सारी चीज़ देखिएगा, आप चाहो तो गूगल पर भी गूगल करके देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो, गूगल पर डालोगे तो आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का, देखो यहाँ पर, फिर मनी कंट्रोल का भी अपडेट है यहाँ पर, समझ गए, सभी का अपडेट है टाइम्स ऑफ इंडिया का आज के डेट का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट वाली बात हमने बताया आपको, जो आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकता है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर लीजिए, कुछ पूछना कमेंट कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और टेंशन फ्री रहो और अर्लीवुड को देखते रहिए, और कुछ भी पूछना कमेंट कर लेना, हमेशा पॉजिटिव रहना, लाइफ में नेगेटिव रहोगे तो सारा काम खल्लास, पॉजिटिव रहेंगे तो जो काम नहीं भी होने वाला है आपका वो भी काम हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।